हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, जो 3x3 का मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स को कैसे इनवर्स निकालते हैं वो पढ़ते हैं। तो देखो, यदि आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एक 3x3 का, जिसके एलिमेंट्स है ए वन वन, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ए वन टू और यहाँ पे ए वन थ्री, यहाँ पे क्या होगा, कौन से होंगे, ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए टू टू और ये क्या होगा, ए टू थ्री, यहाँ पे क्या होगा, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ये ए थ्री थ्री। तो इसे हम लोगों को क्या करना पड़ता, इसे रिड्यूस करना पड़ता आई थ्री में। आई थ्री मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल्स आर वन और बाकी जीरो, डायगोनल्स आर वन बाकी जीरो, इसमें क्या करना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता। तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं। तो वो स्टेप्स कौन से यूज़ करते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले स्टेप वन के हिसाब से क्या होगा, रिड्यूस रिड्यूस ए वन वन टू वन। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए वन वन, ये जो यहाँ पे क्या है, ये वन वन है, तो इसमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, वन लाना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप टू में क्या करेंगे, रिड्यूस ए टू वन एंड ए थ्री वन टू जीरो, मतलब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ए टू वन और ए थ्री वन को क्या लाना है, जीरो जीरो लाना है, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप थ्री में रिड्यूस ए टू टू, ए टू 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 वन, मतलब ए टू टू को वन क्या लाना है, वन लाना है। उसके बाद स्टेप फोर में क्या लाना, क्या करना होगा, रिड्यूस ए वन टू एंड ए थ्री टू टू जीरो, मतलब क्या, ये वन टू और ये थ्री टू, या इसके जगह पे क्या लाना पड़ेगा, जीरो लाना पड़ेगा। फिर स्टेप फाइव में क्या करेंगे, ये जो ये थ्री थ्री है, इसके जगह पे क्या लाएंगे, वन लाएंगे, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेड्यूस ए थ्री थ्री टू वन। और लास्ट में क्या करेंगे, स्टेप सिक्स में करेंगे रेड्यूस ए वन थ्री एंड ए टू थ्री टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है, ये दो जगह के लिए क्या लाएंगे, जीरो लाएंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसका अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसे लिखते हैं,
3 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे 6 2 5 और लास्ट और क्या है लिखते हैं, टू फाइंड, फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, ए इनवर्स, तो टू फाइंड ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए कर दे, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ये पूरा एज इट इज 3 1 2 2 1 2 6 2 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लेते, ये 3 लेते, जब यहाँ पे 3 लेते तो यहाँ पे क्या होगा, ये रो और ये कॉलम बंद, मतलब क्या रहेगा 1 2 2 5, 1 2 2 5 माइनस, माइनस क्या आएगा ये वाला सेकंड डिजिट 2, अब 2 ले रहे तो 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो बंद रहेगी, क्या बचेगा 1 2 2 5, 1 2 2 5 प्लस, प्लस क्या ले रहे 3 ले रहे, सॉरी प्लस क्या ले रहे 6 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 6 लेंगे, अब 6 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो बंद होगी, क्या होगा 1 2 1 2, 1 2 1 2। अब देखो इसे सॉल्व कर दे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 5 5, माइनस 2 इंटू 2 4, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 1 इंटू 5 5, माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 6, यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 1 2। अब इसे सॉल्व कर दे, इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 4, 1, माइनस 2, 5 माइनस 4, 1, प्लस 6, 2 माइनस 2 0। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 1 2, प्लस 6 इंटू 0 0। अब क्या होगा यहाँ पे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा बराबर, क्यों क्यों, तो मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आया करके। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब क्या लिखेंगे, लेट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई बराबर है, तो ए क्या है, ये हम लोगों को गिवन है एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे क्या है 3 1 2 2 1 2, यहाँ पे 6 2 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल्स आर 1 और बाकी सब 0, इस तरह से होगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ता, ये जो 3 है ए 1 1 के जगह पे हम लोगों को क्या लाना पड़ता, 1 लाना पड़ता बराबर है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे इंटरचेंज भी कर सकते, क्यों क्योंकि आर 2 में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, आर 1 इंप्लाइज आर 1 इंटरचेंज आर 2, क्या करेंगे आर 1 इंटरचेंज आर 2। तो देखो ये इंटरचेंज किस तरह से होगा, आर 3 एज इट इज रहेगा 2 2 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 0 1, ये आर 3 एज इट इज रहेगा। अब आर 1 इंटरचेंज आर 2 मतलब आर 1 के इलेमेंट्स कहाँ पे लिखेंगे, आर 2 में लिखेंगे, और आर 2 के कहाँ पे लिखेंगे, आर 1 में लिखेंगे। तो इसे कैसे लिखते हैं, देखिए ये 3 2 6 है, तो ये कहाँ पे आएगा 3 2 6, और यहाँ पे क्या है 1 1 2, तो 1 1 2 कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1 1 1 0 0 है, तो ये कहाँ पे आएंगे आर 2 में 1 0 0, और यहाँ पे क्या है 0 1 0, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0। अब देखो अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो दो स्टेप्स है यहाँ पे क्या लाना भाई हम लोगों को, 0 लाना है 0 0, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो आर 2 में चेंजेस करना पड़ेगा,
R2 में चेंजेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, ये 3 मतलब R2, R2 में R2 - 3 R1, ये पहली कंडीशन क्या होगी, सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ में हम लोगों को दूसरी कंडीशन कौन सी सॉल्व करना पड़ेगा, 2 - 2 0। अब 2 मतलब क्या, R3 में चेंजेस करेंगे, तो इसे क्या कर सकते हैं, R3 - 2 R1। तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी, R2 - 3 R1 और R3 - 2 R1। तो यहाँ पे देखिए दो ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे क्या होगा, बस R1 एज इट इज रहेगा, तो R1 क्या रहेगा, 1। यहाँ पे क्या होगा, R2 में R2 मतलब क्या है, 3 माइनस, यहाँ पे क्या है, 3 इंटू R1 क्या है, 1। सेम R3 में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बराबर है, मतलब क्या होगा, R3 मतलब कितना है, 2 माइनस, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू R1 कितना है, 1। सेम यहाँ पे देखो R1 में क्या है, 1, यहाँ पे क्या होगा R2 में, R2 कितना है, 2 माइनस 3 इंटू R1 कितना है, 1, तो 1। यहाँ पे देखो R3 में क्या चेंजेस करेंगे, R3 मतलब कितना है, 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 1। उसके बाद 2, यहाँ पे देखो R2 में क्या चेंजेस होगा, R2 मतलब कितना है, 6 माइनस, यहाँ पे 3 इंटू R1 कितना है, 2, यहाँ पे क्या होगा, R3 मतलब 5 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो R1 एज इट इज रहेगा 0, यहाँ पे क्या होगा, R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू R1 0, यहाँ पे क्या होगा, R3 0 माइनस क्या, 2 इंटू 0, बराबर है यहाँ तक के। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, R2 कितना है, 0 माइनस 3 इंटू 1, और यहाँ पे क्या होगा, R3 कितना है, R3 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 1, लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, R2 कितना है, 0 माइनस 3 इंटू R1 कितना है, 0, तो 0। यहाँ पे सेम क्या है, R3, R3 कितना है, 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 0, तो ये इस तरह से आएगा। देखो अब इसे आगे कैसे लिखेंगे, वन यहाँ पे क्या होगा, 3 - 3, यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा, 2 - 3, और यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा, 6 - 6, और यहाँ पे क्या होगा, 5 - 2 × 2 = 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा, 1 - 3 × 0 = 0, यहाँ पे 0 - 2 × 0 = 0, यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ पे देखो 0 - 3 × 1 = 3, यहाँ पे 0 - 2 × 1 = 2, यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 - 3 × 0 = 0, यहाँ पे 1 - 2 × 0 क्या होगा, 0। इसे आगे किस तरह से लिखेंगे देखो, यहाँ पे 1 - 3 - 3 = 0, 2 - 2 = 0, यहाँ पे 1 - 2 - 3 - 1, और यहाँ पे 2 - 2 = 0, यहाँ पे 2, 6 - 6 = 0, 5 - 4 = 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 1 - 0 1, 0 - 0 0, यहाँ पे 1 एज इट इज, पे 0 - 3 - 3, 0 - 2 - 2, यहाँ पे 0 एज इट इज, 0 - 0 0, और 1 - 0 1, हो गया।
यहाँ तक के लाए। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक के तो हम ला आ गए, अब क्या करना है, ये जो पोजीशन है -1, उसके जगह पे क्या लाना है, हम लोगों को 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, -1 × -, ऐसे कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे है, आर टू है, तो आर टू में क्या चेंजेस कर सकते हैं, R2 - R2, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई क्या करेंगे, -R2 करेंगे। जब R2 - R2 अप्लाई करेंगे तो देखो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, R1 एज इट इज रहेगा, AB1, और यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा। सिर्फ R2 में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, -0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे R3 भी एज इट इज रहेगा, -0 × A−1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो R1 एज इट इज 0 1 0, यहाँ पे क्या होगा, -0, यहाँ पे -3, और यहाँ पे -0। R3 एज इट इज बचेगा, मतलब क्या, 0 - 2 1। अब देखो इसका कैसे होगा, तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R2 में चेंजेस करेंगे तो 0 - × -1 1, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे -1 - × -3 3, और यहाँ पे 0। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है, बराबर है। तो 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 - 1, मतलब R1 में चेंजेस कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे हम लोग, R1 - R2, किस तरह से करेंगे, R1 - R2, इस तरह से क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। और R1 - R2 से करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे R1 में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब R3 एज इट इज बचेगा, बराबर है, इसे एज इट इज लिख के रखे। यहाँ पे देखो क्या होगा, R1 - R2 1 - 0, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1, और यहाँ पे क्या होगा, 2 - 0 × A−1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए R2 एज इट इज बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 - -1, यहाँ पे 3 एज इट इज -2 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, R1 1 - 3, यहाँ पे क्या होगा, 0 एज इट इज, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 - 0। अब देखो इसे सॉल्व कर दे, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 - 0 1, यहाँ पे 0 0, 1 - 1 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो 2 - 0 2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 × A−1 इज इक्वल टू 0 - -1 1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे 0, 1 - 3 - 2 3 - 2, फिर 0 - 0 0 0 और 1। अब देखो यहाँ तक के हो गया, या 1 0 1 00 भी ला लिए। अब क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लाना था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा हम लोगों को, 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो कहाँ पे, यहाँ पे क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 - 2 = 0 करेंगे, बराबर है। तो ये कैसे होगा, R1 में चेंजेस कर रहे हैं, 2 पहला को आप पे आएगा, R1 - 2 R3 आएगा, क्या आएगा, R1 में चेंजेस करेंगे तो किस तरह से चेंजेस करेंगे, R1 इम्प्लाइज R1 - 2 R3। तो देखो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, R1 में चेंजेस करेंगे, मतलब R2 और R3 एज इट इज, R1 क्या है, यहाँ पे 1 - 2 × R3 कितना है, 0, यहाँ पे 0 0 एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या है, R1 0 - 2 × R3 कितना है, 0, यहाँ पे 1 और 0 एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या होगा, R1 कितना है, 2 - 2 × R3 कितना है, 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 × A−1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, R1 कितना है, 1 - 2 × R3 कितना है, 0, यहाँ पे -1 और 0 एज इट इज,
यहाँ पे देखो क्या होगा, आर वन माइनस टू इंटू आर थ्री कितना है माइनस टू, और यहाँ पे थ्री और माइनस टू एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा जीरो माइनस टू इंटू क्या है आर थ्री वन, यहाँ पे जीरो और वन एज इट इज बचेगा, बराबर है। अब देखो इसे सॉल्व कर दे, इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वन माइनस जीरो वन, जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन जीरो, और यहाँ पे टू माइनस टू जीरो जीरो वन, मतलब ये क्या मिला हम लोगों को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस टू इंटू जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू टू फोर, फोर माइनस टू कितना होगा, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे क्या होगा माइनस टू जीरो वन, और देखो फाइनल आंसर अब नज़दीक ही पहुंच गए, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वन जीरो, टू थ्री माइनस टू, और यहाँ पे क्या होगा माइनस टू जीरो वन, ये होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं।